सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, सेंटर ब्राय एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के जेर एहतमाम दो रोज़ा बैनुल अक्वामी फ्लैगशिप सेमिनार ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड रिस्पांस जी स्टार की इफ्तिताही तकरीब। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में तकरीब मुनक्किद की गई। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। सेंटर ब्राय एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज के जेर एहतमाम दो रोज़ा बैनुल अक्वामी फ्लैगशिप सेमिनार बानवान ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड रिस्पांस जी स्टार की इफ्तिताही तकरीब आज एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। इस मौके पर सदर इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मेहमान खसूसी थे। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद पहुंचने पर सरबराहे पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने इनका इस्तकबाल किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने इफ्तिताही खिताब में पाक फजाइया के इल्म के शोबे को अपनी कार्रवाइयों में ज्यादा से ज्यादा बरोए कार लाने के लिए किए गए कुलीदी इकदाम को सराहा। सदर ने असर हाजिर के स्ट्रेटेजिक मसाइल पर फिक्र अंगेज सेमिनार के इनकाद पर सेंटर ब्राय एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज की इंतजामिया को सराहा। आलमी सियासत के पचीदा मसाइल ने ताकत के रवायती तवाजन और सिक्योरिटी के माहौल को मुतासिर किया और ये अमर कौमी हम आहंगी के जरिए मुनासिब रद्द अमल का मुतकाजी है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी और दौलत के इश्तराक से ताकत के नए मराकज की तश्कील हो रही है। उन्होंने ये नतीजा अखज किया कि इंसानों की बराबरी, इंसानी सलामती के एहतराम, नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अमन के अजम की बुनियाद पर एक नई तरतीब की तामीर की जरूरत है। सरबराह पाक फजाइया ने अपनी इस्तकबालिया तकरीर में इस बात पर रोशनी डाली कि बड़ी ताकतों के दरमियान बढ़ती हुई दुश्मनी के नतीजे में बैनुल अक़वामी इदारे कमजोर हो रहे हैं और रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी के तनाजर में इन्होंने मुंतखब इश्तराक के खतरनाक नतज और इलाकई इस्तेकाम पर इसके असरात की तरफ इशारा किया। एयर चीफ ने इन टेक्नोलॉजीज के चैलेंजों से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी इत्तफाक़े राय की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने पाक फजाइया के कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़म का अदा किया और पाक फजाइया को एक जदीद फोर्स बनाने के लिए ऑपरेशंस